आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करें अल्पसंख्यक समाज से, बात करें देश के विकास में हाथ बढ़ाएं और आबादी को रोकने की बात करें। अल्पसंख्यक समाज कहां गया? 30 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं, बैठे हुए हैं, तो उनको चाहिए कि अपील करें। अगर यही स्थिति रही तो बहुसंख्यक हो जाएंगे 2050 तक। ठीक है सर, अल्पसंख्यक तो हिंदू होता जा रहा है, हिंदुओं में शादी का रेट देखिए कितना घट गया, 10 राज्यों में संतान का रेट कितना घट गया। आचार्य शैलेश, दरअसल 10 राज्यों में हिंदू तो अल्पसंख्यक हो गए हैं, ऐसे कह रहे हैं कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। बिल्कुल आशीष चतुर्वेदी, क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से आप अश्योर करेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में यूसीसी अगर आयता है, ठीक है, टारगेट सिद्दीकी साहब आ रहा हूं, आशीष चतुर्वेदी, क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से आप अश्योर करेंगे कि जो उत्तराखंड में यूसीसी लाने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है, उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा कोई कानून आता है, आशीष चतुर्वेदी को फ्रेम में रखिए, समाजवादी पार्टी के नेता, आप समर्थन देंगे योगी सरकार को कि ऐसा कानून लाइए? देखिए, वो अगर हमारे से बात करेंगे, हमसे उस पर चर्चा करेंगे और जो देश हित में है तो बिल्कुल उस पर जो है समर्थन देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई। जो देश हित में है समाजवादी पार्टी उसके लिए साथ खड़ी है योगी सरकार की, जो भी देश, क्योंकि देश सर्वोपरि है। और अगर आज जो स्थितियां बन रही हैं, अगर उसमें, लेकिन ये है कि केवल हम पे थोपा ना जाए, हमसे चर्चा की जाए, उस पे बातचीत की जाए, जो बेहतर मुनासिब हो, सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए समान हो, उसको बिल्कुल जो है हम पूरी तरीके से समर्थन देंगे। मौलाना शहाबुद्दीन की बात तो नहीं मान लेंगे आप, बदल तो नहीं जाएंगे हम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मौलाना शहाबुद्दीन, अगर नियम बनता है तो आपने चर्चा की शुरुआत में ब्रेक से पहले आपने कहा कि नियम बनता है तो हम उसे फॉलो करेंगे, सभी के लिए एक नियम हो, लेकिन अब आप बदल रहे हैं, ये बदलाव तो बाद में नहीं हो जाएगा? नहीं, मैं बदल नहीं रहा हूं। जनसंख्या नीति, जनसंख्या नीति के ताल्लुक से मैंने कहा कि कानून किधर क्या है और कानून बनाने का हुकूमतों हुकूमत इतने साल हो गए लेकर नहीं आए हैं, कानून लेकर क्या है, हमें कोई उतराज नहीं है, हमने पहले भी कहा और आज भी कह रहे हैं और कल भी कहेंगे इंशाल्लाह। तो दो बच्चों का नियम अगर बनता है तो आप खड़े तो नहीं हो जाएंगे इसमें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम आपके साथ में खड़े हैं, हम आपके साथ में खड़ेंगे और पहले भी इस तरीके से बातें की गई हैं, मगर होता क्या है कि ये लोग बातें करते हैं मगर उसको प्रैक्टिकल तौर पर अमली जामा नहीं पहनाते। अभी हमारे यहाँ डॉक्टर अनिल सिंह साहब गिरफ्तार हुए हैं, अभी हफ्ता भर पहले उनकी 4 बीवियां थी और पूरे हिंदुस्तान मैंने घूमा है, किसी मुसलमान की आप तक मेरी नॉलेज में कोई 4 बीवियां नहीं रही। तो अगर आप देखें तो दोनों तरफ पहलू बराबर है। इसमें नहीं पड़ेंगे। राजकमल जी, मौलाना शहाबुद्दीन कह रहे हैं कि अगर सरकार नियम लेकर के आती है, दो बच्चों का नियम लेकर के आती है, तो वो समर्थन करेंगे, अपने कौम को भी समझाएंगे और अगर कोई राजनीतिक दल अगेंस्ट में आता है तो शायद मौलाना शहाबुद्दीन उसे भी समझा लेंगे। राजकमल गुप्ता, मैं इनके इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं, ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर जितने भी नियम कानून बने हैं, कोई भी विषय पाएगी तो धार्मिक, उसको पहले धार्मिक बना दिया जाता है, उसको डिवीजन बना दिया जाता है। सीएए बताइए किस विरोध, किसके विरोध में था, ये एनआरसी किसके विरोध में था, क्या भारतीय के विरोध में था, किसी मुसलमान के विरोध में था, किसी हिंदू के विरोध में है, ये बताइए आप मुझे। अरे एक बार सच्चे मन से धर्मगुरु ये कहें, नहीं तो वही वाली बात है, 6 बीवी 36 बच्चे, वो वाली कहावत होती है, जनसंख्या इसलिए बढ़ रही है। और अगर ये मौलाना इस बात को कहते हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, लेकिन दिल खोल के ये इस बात को कहें कि ये आएगा और कोई विरोध नहीं होगा। ठीक है शमसी साहब, अब तो विपक्ष भी साथ है, मौलाना साहब भी साथ है आप लोगों के, उत्तर प्रदेश में तो ले आइए उत्तराखंड की तरह। मैंने मौलाना साहब, मैं मौलाना शहाबुद्दीन से और ये आशीष चतुर्वेदी जी से और शुएब सिद्दीकी साहब, तीन आदमी इस वक्त आपके पैनल में बैठे हैं, मैं यही चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये अपने समाज से अपील करें
कि बढ़ती जनसंख्या जो है वो देश के हित में नहीं है, और हमको राष्ट्रीयता सोचना है, हमको राष्ट्रभक्ति सोचना है, हमको अपने देश के बारे में सोचना है, हमको टारगेट करके अपनी आबादी नहीं बढ़ाना है कि उनकी आबादी इतनी है तो हम भी अपनी आबादी बढ़ाएं, हमको देश के विकास में योगदान देना है, हमको राष्ट्रीय भावना से काम करना है। अगर दो बच्चे हमारे होंगे तो दो बच्चे, अगर हम एक नौकरी कर रहे हैं, अगर हमारी 20,000-25,000 सैलरी है तो हम दो बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से कर लेंगे, और दो बच्चे जब कायदे से पाले जाएंगे तो अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, न कहीं वो आतंकवादी बनेंगे न टेररिस्ट बनेंगे। आज यही बात है कि जिनके 10-12 बच्चे 15 बच्चे होते थे उनको इधर उधर छोड़ दिया जाता था और वही रास्ता भटक कर कहीं ना कहीं देश के लिए हानिकारक साबित होते थे। अब अवेयरनेस आ गई है, अब इनको चाहिए कि अपना जो कानून बनने जा रहा है, अगर देश हमारा पार्टी हमारी कानून बनाती है संसद में पास होता है तो विपक्षी पार्टियों से मैं यही कहूंगा कि सरकार का सहयोग करें, और जो भी धार्मिक यहां पर बैठे हुए हैं उनसे भी मैं यही अपील करूंगा, चाहे शहाबुद्दीन हो, चाहे शुएब सिद्दीकी साहब हो, और चाहे हमारे समाजवादी पार्टी के आशीष चतुर्वेदी हो, इन्होंने कह तो दिया कि हम समर्थन करेंगे, लेकिन मैं इनसे एक बात यही कहना चाहूंगा कि आज आपके चैनल के माध्यम से ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कहें, अपील करें कि अगर राष्ट्रहित में दो बच्चों का कानून आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें, ताकि देश जो है आबादी के हिसाब से अपना काम कर सके, विकास कर सके। हम किसी को टारगेट करके अगर अपनी आबादी को बढ़ाते हैं तो वो देश हित में नहीं है, कानून सबके लिए एक बराबर है, और अगर हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना है तो हम यही चाहेंगे कि कम आबादी के साथ हमारा देश तरक्की की ओर बढ़े। आशीष चतुर्वेदी साहब, हर एक मामले में समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगता रहता है कि वो सियासत ढूंढ लेती है, इस मामले में अगर सरकार, अगर मैं कह रहा हूं कि अभी सरकार आगे बढ़ी नहीं है उत्तर प्रदेश में खासतौर पर, लेकिन उत्तर प्रदेश में नेशनल स्तर पर जो आबादी मुस्लिमों की बढ़ी है उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं कि अगर कोई कानून लेकर के उत्तर प्रदेश में सरकार आती है तो उसमें कोई सियासत तो नहीं ढूंढ लेगी, टाइमिंग तो नहीं ढूंढ लेगी कि 2024 में इलेक्शन आने वाला है इस वजह से सब कुछ किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि आप कानून भी लाइए, हमसे चर्चा करिए, उस पर वार्ता करिए और सर्वसहमति बना करके आप कानून लाइए और उसका अनुपालन कराइए। साथ ही जो मैंने कहा कि जो स्कूल के पाठ्यक्रम हैं उनमें कहीं ना कहीं आप बच्चों में अवेयरनेस लाने के लिए, उसमें तो आपको हमारी जरूरत नहीं है, आप ला सकते थे, अभी तक आप नहीं लाए हैं। किसी भी स्कूल कॉलेज में कहीं भी ये नहीं पढ़ाया जा रहा है बच्चों को कि आने वाले भविष्य में आपको जो है ये जनसंख्या को हमको जो है नियंत्रित करना है। मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी साहब के पास मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मौलाना जी के पास लाता हूँ। मौलाना, हमें समझाइए और अपने समाज के लोगों से अपील कीजिए कि भाई राष्ट्रीयता को सबसे ऊपर रखिए, कम बच्चे पैदा कीजिए, कानून जब आएगा तब आएगा, तब से उससे पहले तक आप कुछ अपील करना चाहेंगे मौलाना शाहबुद्दीन? पहले हुकूमत को चाहिए कि वो खाका पेश करे, और खाका सामने लेकर के आए तो उसको देखेंगे, फिर उस हिसाब से बात किया जाएगा। अभी तो इन्होंने खाका भी पेश नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, सारी जिम्मेदारी मजहबी रहनुमाओं पर डाल दी है, तो सारी जिम्मेदारी मजहबी रहनुमा नहीं निभा सकते। जो इनकी जिम्मेदारी है ये पहले अपनी निभाए, उसके बाद में हम जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। हमने तो कह दिया कि आप जनसंख्या नीति बनाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए। मौलाना कभी इधर कभी उधर हो रहे हैं मौलाना शाहबुद्दीन, लेकिन कुल मिलाकर के डिबेट में ये बात निकल करके सामने आई कि बढ़ती आबादी देश के लिए चिंता की बात तो है।